रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर एक मंदिर, हमें सबसे खुशी है, लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। क्या हमारे साथ हुआ, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। विनाश हुआ चाहे विकास हुआ, जो भी हुआ, जो भी अगले के नजर में था वो विकास ही कहा जाएगा। नवंबर 2022 जब बीबीसी की टीम अयोध्या पहुंची तो वहां पर तीन मार्ग, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के निर्माण के लिए दुकानों को तोड़ा जा रहा था। कई दुकानदार जो किराए से कई सालों से अयोध्या में अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे थे, वो इन सड़कों के निर्माण से परेशान थे, नाराज थे और अपने परिवारों और व्यवसायों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। कोर्ट पर सभी भरोसा करता था। अब राम मंदिर को जाने वाले यह तीन मार्ग बनकर तैयार हैं और अयोध्या के बाजार श्रद्धालुओं के लिए सजे हुए हैं। 2022 में किराए से दुकान चलाने वाले जिन व्यापारियों से हम मिले थे, एक साल बाद हमने उनसे फिर मुलाकात की और यह जानने की कोशिश की कि अब उनके हालात कैसे हैं। 2022 में हम किराए पर गैस और हार्डवेयर का व्यापार करने वाले अभिषेक कुमार कसेरा से मिले तो रामपथ को चौड़ा करने के लिए उनकी दुकान का हिस्सा भी तोड़ा जा रहा था। बस हम ये चाहते हैं कि योगी जी ने जो पैमाइश यहाँ से हो रही है, जो अधिकारी सरकार ले रहे हैं 10 मीटर, उसके बाद हम अपना जो बच रहा है हमारा 1 फुट 2 फुट अपना युविका चलाने के लिए उसे हम निर्माण कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब टूट कर अभिषेक की दुकान 10/15 फीट से 10/5 फीट रह गई है। अभिषेक खुश हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन दुकान टूटकर छोटी होने का दुख भी उन्हें है। जब बनने के लिए कुछ विकास जरूरी होता है, अगर कुछ टूट रहा है तो आगे बनेगा भी। हम इससे नाराज थे मगर योगी जी के हमारे कार्यकाल से बहुत हम लोग खुश हैं। जो हमारे फादर थे सर, तो समझ लीजिए कि सब कुछ था, आज फादर नहीं है, तकलीफ तो बहुत होती है सर, क्या करें। वो आज देखते इस दुकान को, इतनी छोटी सी हो गई है, तो वो क्या सोचते सर? सोचते क्या, वो तो ऐसे ही मर जाते। उन्होंने मेहनत करके अपने शुरू से उन्होंने बहुत मेहनत किया, जितना उन्होंने किया है स्ट्रगल, हम लोग शायद उसका एक अंश भी, 1% भी कर लें तो अपने आप को महान समझे। नवंबर 2022 में कमला देवी और उनके परिवार की किराए की दुकान भी टूट रही थी, तब वो सरकार से बेहद नाराज थी। हम कहां पे जाएं कि तो हमको आदेश दीजिए, 1 लाख रुपए में क्या होता है कि हम बिम उठा के नहीं खड़िया सकते हैं। 1 लाख रुपया मजदूरी ले लेंगे, हमारा कुछ नहीं मिला, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको दुकान चाहिए बस। अब कमला देवी की दुकान भी टूटकर छोटी हो गई, उन्हें प्रशासन से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिली है, लेकिन उससे उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। पिछली बार आप बहुत नाराज थी सरकार से, क्या करें सरकार, अभी हम नाराज, जब रहने ठिकाना नहीं है, खाने को मुहताज है, दिन के दिन बोनी नहीं होता, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। मंदिर बन गया, मंदिर बन के तैयार, मंदिर बनने तो हमको बहुत खुशी हो गया, इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं, इसलिए कि हम भी सोचते थे कि एक समय आएगा भगवान आएंगे विजमान होंगे। राम ने नहीं कहे थे मोती या जोगी को कि हम आएंगे तो जनता का घर कर देना, ये तो राम नहीं बोले थे, राम वो यही कहे थे हम आएंगे जनता हमारे पीछे होगी सुखी रहेगी। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक कुछ किराएदार दुकानदारों का अपने दुकान मालिक के साथ विवाद चल रहा है। प्रशासन कहता है कि फिर भी इन दुकानदारों को अपना व्यवसाय चलाने दिया जा रहा है। प्रशासन ने दुकानदारों की दुकान मालिक राजा अयोध्या से वार्ता कर समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। प्रशासन का यह भी कहना है कि उन्होंने इन दुकानों की बाहर से मरम्मत कराने की पेशकश की, लेकिन विवाद के चलते वो काम भी रुका हुआ है। सरकार कहती है कि इसके बावजूद उसने प्रभावित हुए परिवारों को अपनी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश भी की है। दरअसल अयोध्या को एक धार्मिक टूरिज्म हब बनाने का बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, जिसमें रामपथ
भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ को चौड़ा करने का काम हुआ है। इन सड़कों पर कई सौ दुकानों का कुछ हिस्सा तोड़ा गया और कुछ दुकानों को तो पूरी तरह से हटा दिया गया, जिससे अयोध्या के व्यापारी नेताओं के मुताबिक कुल 4,700 परिवार प्रभावित हुए। शिशुपाल के इस रूप को देखकर 2022 में हम एक बदहवास हरिलाल गुप्ता से उनके किराए की दुकान पूरी टूटने के ठीक एक दिन बाद मिले थे। केवल मुंह में टाफी है, 1,00,000 मिलेगा, हमारा 10,00,000 की माल चली गई, 1,00,000 मिल गया तो कौन ये हो गया, लेकिन जब सहमति पत्र ही हमने दिए तो 1,00,000 मिलेगा किसको। अब हरिलाल किराए की दूसरी दुकान चला रहे हैं। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक हरिलाल और उनकी तरह कुछ और दुकानें सरकारी जमीन पर थीं, तो उन्हें अतिक्रमण बताकर हटाया गया था। वो मंदिर का दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन दुकान खोने का उन्हें दुख भी है। जहाँ दो दुकानें थी वहाँ एक हो गई। विनाश हुआ चाहे विकास हुआ, जो भी अगले के नजर में था वो विकास ही कहा जाएगा। कोई भी एक आदमी अगर डेट कर जाए तो उसको घर में रख के कितने दिन तक रोएंगे, उसको तो भुलाने में ही फायदा है, अब भूलने में ही हमारी भलाई है। अब जो घटना हो गई सो हो गई साहब, लेकिन अब राम लला आ रहे हैं, अब उनको हम लोग को स्वागत में तैयारी रहना है। भगवत प्रसाद पहाड़ी और उनका परिवार 1985 से रामलला विराजमान के वस्त्र सिलते आ रहा है। तब रामलला बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे हुआ करते थे। नवंबर 2022 में राम मंदिर को जाने वाले रामपथ को चौड़ा करने में उनकी किराए की तीन दुकानें पूरी तरह टूट गईं। भगवत प्रसाद हमें सरकार से अलॉट हुई दो दुकानों के कागज भी दिखाते हैं। रामपथ में मेरी तीन दुकानें थी, उसका मिला मुआवजा 3,00,000 रुपया, और सरकार जो दो दुकान इक्वायर किया है उसको दे रहा है तो उसका 35,00,000 रुपया बैठ रहा है। नुकसान तो हमको बहुत महसूस हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि इसमें कितने जाने चली गई रामलला को बैठाने में, मंदिर बनाने में। रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर एक मंदिर, हमें सबसे खुशी है, लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। अयोध्या प्रशासन का कहना है कि भगवत प्रसाद पहाड़ी जैसे 212 किराएदार दुकानदार जिनकी सड़क निर्माण में पूरी दुकानें टूट गईं, उन्हें प्रशासन से नई दुकानें आवंटित की गई हैं। प्रशासन के मुताबिक इन किराएदारों को दुकानों की मार्केट वैल्यू नहीं बल्कि सिर्फ एक बेस प्राइस अदा करनी है, और उसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 13 से 14 लाख है। सरकार का कहना है कि जिन दुकानदारों को अलॉटमेंट लेटर दिया है उन्हें सरकार लोन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और बैंक से लोन दिलाने के लिए सहायता भी कर रही है। दुकान 30 साल की लीज पर दी जा रही है और आसानी से एक शुल्क देकर 30 साल बाद इस लीज को बढ़ाया जा सकेगा। अयोध्या में दुकान मालिक, दुकान पर कब्जेदार, दुकान को बनवाने वाले और उस पर किराए से दुकान चलाने वाले सभी दुकान पर अपना हक जताते हैं। इसी वजह से अयोध्या में विकास कार्यों को अंजाम देना प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन यह दुकानदार भी दशकों से यहाँ पर बसे हुए हैं और शहर के विकास के साथ उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर के बनने की खुशी इन दुकानदारों में साफ झलक रही है। अयोध्या से रोहित लोहिया के साथ अनंत जनानी।